हेलो नमस्कार, कक्षा 11 में डे 66 में और अपना चैप्टर संख्या 6 कर रहे हैं हम, जिसमें वर्क एनर्जी एंड पावर की बात कर रहे हैं। वर्क की बात कर रहे हैं हम, अब एनर्जी में पहुंच गए हैं। एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली थी पहले, गतिज ऊर्जा क्या है उसका फॉर्मूला डेराइव कर लिया था, गतिज ऊर्जा 1/2mv² होती है। उसके बाद कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम हमने सोल्व की थी कि जो W का जो मान है वो डेल्टा K के बराबर होता है। किसी भी गतिशील वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो वहाँ गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है, Kf माइनस Ki, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिया था उससे। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, इसी में आ गया। ऊर्जाओं की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी कण में, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित रहती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा, तो नाम तो वैसे ही है, इसके नाम के अकॉर्डिंग है स्थितिज ऊर्जा। एग्जांपल की बात करें तो जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली बात करेंगे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, नेक्स्ट टॉपिक ये करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर दूसरी बात आती है इसमें चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। अभी देता हूँ आधे घंटे में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। आदि और भी कई स्थितिज ऊर्जा हम आगे टाइम टाइम में पढ़ते रहे, उनको ट्वेल्थ में भी कई प्रकार की आएगी स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी होती है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा भी होती है, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा भी होती है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अभी कॉमन बात करते हैं। लेकिन सभी में एक बात कॉमन है कि स्थितिज ऊर्जा है, सारी स्थितिज ऊर्जा है। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो ऊर्जा जब निकाल रहे हैं तो हमेशा कार्य निकालना है, ये बात तो आप बिठा ले दिमाग में कि जब भी हमें ऊर्जा निकालनी है, कोई भी हो, कैसी भी हो, कुछ भी हो, हमें क्या निकालना है? कार्य। और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बस। तो हमें बल देखना और विस्थापन देखना है कैसे होगा। अलग अलग स्थितिज ऊर्जाओं में बल का मान अलग अलग होगा, ठीक है, विस्थापन अलग अलग तरीके से होगा, इसलिए उनके रिजल्ट अलग अलग आएंगे, उसी के अनुसार हम उनको डिफाइन करेंगे। और बिल्कुल सिंपलिसिटी से अपने को आराम से बिल्कुल सिंपल वे में हम समझ आएंगे कि क्या है स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या और कोई भी स्थितिज ऊर्जा है तो वो क्या है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है कि जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी वस्तु को गति करवाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कैसे गति होगी, कैसे होगी? गुरुत्वाकर्षण किधर काम करता है? नीचे की ओर। और हम किसी वस्तु की किधर गति करवाएं? हो गई ना गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। ऊपर से वस्तु नीचे आराम से आ सकती है, अपने आप आ सकती है, लेकिन नीचे से ऊपर वस्तु अपने आप नहीं जाती। हम छत से पत्थर को छोड़ देंगे तो वो छत से दूसरी छत पे नहीं पहुंचेगा, छत से वो किधर आएगा? नीचे आएगा। लेकिन जमीन में पड़ा हुआ पत्थर अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। उस बल से हम उसको विस्थापित करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, हम उसकी क्या करेंगे? स्थिति परिवर्तित करेंगे, जिससे उसमें जो ऊर्जा संचित होगी वो स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं इसलिए उसको क्या कहेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज। आगे बात समझ, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ऊर्जाएं होंगी, ठीक है, वहां डिपेंड करेगा कार्य कैसे हो रहा है। जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो रहा है इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब इसका फॉर्मूला भी डेराइव कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है क्या? जब किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति करवाई जाती है, किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर, सबसे सिंपल भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं, जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बल लगाते हैं और इससे संचित ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्लियर लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु को
ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य, ऐसे लिख सकते हैं, यह किया गया कार्य कण के लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, के रूप में संचित होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि जैसा बुक्स में लिखा है वैसा वैसा हम टीप के उतार दें, पूरा पूरा छाप दें। हम हमारी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, हमारा जो बताने का तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन हम बात वही करेंगे जो रियल में है, उस टॉपिक से संबंधित बातें हैं वही। तो कोई जरूरी नहीं है आप रटी रटाई लैंग्वेज लिखें, हम समझ के अपनी लैंग्वेज में उसे जैसे समझ में लिख सकते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अब अपने पास क्या होता है, देखो कार्य क्या होता है, डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन, ये तो है, ये समीकरण हम पढ़ते हैं, ये पढ़नी है जब भी ऊर्जा निकालनी है। अब स्थितिज ऊर्जा निकालनी तो इसकी परिभाषा में सब कुछ है, इसकी परिभाषा में मैं बात कर ली, जब किसी कण को किसी ऊंचाई तक ले जा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब किसी कण को आप यहाँ से उठा के और यहाँ लेके गए हो, छत पर लेके गए हो यहाँ से और उठाकर, तो उस समय उसकी जो ऊंचाई है ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, दूरी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। गड्ढा खोदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गहराई बोलते हैं, ठीक है तो दूरी सारी है, तो दूरी केवल बोलने का तरीका अलग है। तो यहाँ एक बात तो क्या हो गया, यहाँ एस तो किसके बराबर हो गया, एच के बराबर, क्योंकि ऊंचाई पर जा रहे हैं ना, लिखा है ना ऊंचाई पर जा रहे हैं, इसी में से निकालेंगे हम सारी बातें। और दूसरा एम बराबर क्या होता है, एम ए होता है, एम ए होता है ना, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो ए बराबर वहां की ओर क्या होता है, जी होता है, ए बराबर जी, तो एम बराबर एम ए की जगह क्या देगा, एम जी। एम जी ही क्यों लिया हमने, क्योंकि जब हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो कौन सा बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ए बराबर एम जी, ए बराबर एम जी, तो यहां से क्या ले लेंगे, ए बराबर एम जी। अब ये दोनों मात्रक दो समीकरण एक में, ठीक है, समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम जी एच, और स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं यू से, ये बात आप ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा को किसे लिखते हैं, यू से लिखते हैं, यू से, इसलिए हम इसको यू से लिख देते हैं, यू बराबर होता है एम जी एच। इसका मतलब अगर पूछा जाए स्थितिज ऊर्जा का मान किस बात पे निर्भर करता है, तो एक ही बात पे निर्भर करता है, इस पे ऊंचाई पे निर्भर करता है, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी, क्लियर, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अब देखो अगर एक पत्थर को किसी छत से गिराया जाता है और एक पत्थर को दूसरी छत से गिराया जाता है जो उससे भी ऊपर है, और नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो दोनों उसके सिर में आगे लगते हैं, तो कौन सा पत्थर तेजी से लगेगा, जो ज्यादा ऊंचाई पे। अब क्यों लगेगा, अब ये तो अपने को सामान्य बात सभी को पता है, पता है ज्यादा ऊंचाई से आएगा ज्यादा तेज लगेगा, लेकिन अगर इसको डिस्क्राइब करें तो क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि जब ज्यादा ऊंचाई पे पत्थर अपने आप थोड़ी पहुंचे हैं, लेके गए ना किसी ने, तो काम किया उसको ले जाने में, तो जितनी ऊंचाई पे गया तो उसने जो कार्य किया गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, वो कार्य उसमें संचित हुआ किसमें, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और जब हम उसको गिराएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बदलेगी किसमें, गतिज ऊर्जा में, क्योंकि छोड़ने के बाद में गति होना प्रारंभ हो गई, अब कौन सी ऊर्जा उसके अंदर, गतिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो किसमें बदलेगी, गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा में होता है एक बटा दो एम वी स्क्वायर, एक बटा दो नियतांक है, एम उस पत्थर का द्रव्यमान है, वो भी नियतांक है, वो तो उतना ही है, लेकिन क्या बढ़ेगा इसका मतलब, इसका मतलब वेग बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, ज्यादा तेजी से आगे वो उसके टकराएगा, इसलिए वो ज्यादा तेज जगेगा, ठीक है। तो जब स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होती है तो वो गतिज ऊर्जा में बदलती है,
ठीक है, और इसलिए गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हर जगह लगते हैं, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जाता है। तो जब हम पत्थर को उठा के छत पे ले जा रहे हैं तो हमें जोर आ रहा है, आ रहा है ना, हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, तो वो हमारी एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, वो उसमें संचित होगी पत्थर में। जब उसको गिराया जाएगा तो वो स्थितिज ऊर्जा बदलेगी किसमें, जब वो गति कर रहा है, किसमें, गतिज ऊर्जा में। तो ऊर्जा क्या हुई, हमने काम किया, हमारी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। जब नीचे आ रहा है पत्थर तो स्थितिज ऊर्जा किसे बदल गई, गतिज ऊर्जा में, ठीक है, समझ आ गई ना बात, गतिज ऊर्जा में बदल गया। तो ऊर्जा का जो मान है, स्थितिज ऊर्जा का मान, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो समानुपाती होता है किसके, किसके, ऊंचाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में परिवर्तन, ये मान ज्यादा है तो ये मान भी, उत्तर भी ज्यादा है, ये मान कम है तो उत्तर भी कम है। 10 मीटर ऊंचाई है तो 10 से गुणा करेंगे, और 20 मीटर ऊंचाई है तो 20 से गुणा करेंगे, तो उत्तर किसका ज्यादा आएगा, जिससे 20 से गुणा करेंगे तब उत्तर ज्यादा आएगा। इसलिए स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होती है, ऊंचाई के समानुपाती होती है, ठीक है। ये इसमें स्थितिज ऊर्जा संबंधित बातें, तो तीन बातें इसके अंदर आ रही है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि सिंपल सा क्वेश्चन रहता है इसके अंदर, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, कि अगर किसी 50 ग्राम के कण को 20 मीटर ऊंची छत पर ले जाया जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा का मान लिखिए, क्या होगा, एम का मान बताना, 50 ग्राम आपको केजी में रखना है, भी ध्यान रखना, तो 1000 में बदल भाग दे देंगे, इसका कट गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5×10^-2 किलोग्राम, ठीक है। पॉइंट में ना बदलें, क्योंकि जब हम पॉइंट में बदलते हैं तो फिर रखते हैं, फिर पॉइंट हटाते हैं, फिर भाग में जीरो लगा देते होते हैं, तो ऐसा करें क्यों, ठीक है, पॉइंट में ना बदले, उसे 10^10 में ही रखें उसको, तो गुणा में उत्तर में भी 10^10 इतनी आ रही है, ऐसी कैसी छोड़ दो, ठीक है, गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब इसके अंदर लेते हैं ऊंचाई दे दी कितनी, 20 मीटर, एम के एस का ध्यान रखना आपको हमेशा, एम के एस, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और एस का मतलब सेकंड, टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए, दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए। तो ये आप 20 मीटर ऐसा ऐसा रख दो, नाउ वी नो दैट यू इज इक्वल टू एम जी एच एंड पुट ऑल द वैल्यूज, एम की वैल्यू कितनी है, 5×10^-2, जी की वैल्यू नियर अबाउट 10 पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 20, सोल्व कर लो आप इसको, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2×5 = 10, 10^10 कितनी आ गई, -2, और ये कितनी है, 10^1, और 2×10, 2 से गुणा कितना, 10 यहाँ पे है, तो 10^1 ये होगी, कितनी होगी, 10^10 प्लस की 2, -2 + 2 कैंसिल, उत्तर कितना आ गया, 10 जूल। इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन इसके अंदर है जो हम कर सकते हैं। अब दूसरा समानुपाती में है या व्युत्क्रमानुपाती है, कोई भी वैल्यू, तो उनके आधार पे सिंपल से क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जो कॉमन है, सब में आते हैं वो क्वेश्चन। कैसे, अगर आपको दे दिया जाए कि यदि ऊंचाई का मान दुगुना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊंचाई का मान क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, दुगुना 2 गुना, यानी 2 से गुणा कर दिया, तो उत्तर भी 2 से गुणा हो जाएगा ना। समानुपाती का मतलब यही होता है, अगर कोई और वैल्यू नहीं आ रही है, कोई राशि केवल एक पे निर्भर करती है, तो जैसा उसमें परिवर्तन होगा वैसा इसमें हो जाएगा, ठीक है। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में परिवर्तन, कि अगर दुगुना कर दिया तो ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी, ऊंचाई आधी कर दी तो ऊर्जा भी आधी हो जाएगी, 3 गुणा कर दी ऊंचाई तो ऊर्जा भी 3 गुणा हो जाएगी, सब उसी अनुपात में बदलेगा।
क्लियर। अगर सीधी एक घात में है तो समझ आएगी बात। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि गतिज ऊर्जा पूछ ली जाए क्या होगी यदि कर्ण का वेग दोगुना कर दिया जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन सभी टॉपिक में लागू होते हैं, तो जो इनको एक बार सीख लेते हैं करना और समझ लेते हैं उसको ये 11वीं और 12वीं में हर टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे और फिर किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर सभी में आएगी। कैसे, जैसे अगर आपको ये कहा जाए ऊंचाई में, इसकी भी बात करते हैं, पहले इसी की करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को लेता हूं मैं, जो अभी बात की थी कि यदि ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए तो स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़े, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए वो क्वेश्चन कहां से है, कहां से स्थिति ऊर्जा से पता चल गया। स्थिति ऊर्जा सामान्य तक ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, एस का मान इतना है, एम का मान इतना, कुछ नहीं दिया जाएगा, केवल एक परिवर्तन दिया जाएगा। तो हमें दे दिया कि ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए तो स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्वेश्चन किससे है, स्थिति ऊर्जा से, उसका सूत्र लिखवा और उसको दे दो समीकरण नंबर। अब लगा दो परिवर्तन इसके अंदर, क्वेश्चन में जो कहा गया, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो एच को कितना कर दिए, दो से गुणा कर दे, इसका मतलब एच की जगह क्या रखेंगे, टू एच रख देंगे। अब जब हम कोई मान बदलेंगे तो उत्तर भी तो बदलेगा, बदलेगा ना। अब हम मान लेते हैं कि स्थिति ऊर्जा जो है यू की बजाय क्या है, यू डैश है, यू डैश मान लो, यू वन मान लो, किसी मान लो, ठीक है, यू डैश है। तो एम जी ऐसा कैसा, एच की जगह क्या रख दिया, तो क्या आ गया, टू एम जी एच। ऐसी स्थिति में हमेशा 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 क्या होगा, जो आपने समीकरण नंबर एक लिखी है वो वापिस मिल जाएगी आपको, आगे ना एम जी एच रहेगी, वो तो वही ऐसे ही, और कोई ना कोई संख्या गुणा में आ जाएगी, संख्या को आपको ऐसा कैसा रखना है, एम जी एच किसके बराबर था, यू के, तो यू रख दो, यहां एम जी एच की जगह क्या रख दो, यू, तो यू डैश बराबर क्या आ गया, टू यू। यू क्या है, पहले की स्थिति ऊर्जा, यू डैश क्या है, परिवर्तन के बाद की स्थिति ऊर्जा। अब आप इसका उत्तर बता सकते हो कि अब स्थिति ऊर्जा का मान पहले की तुलना में दोगुना, ये तो मैंने बताया था कि अगर ऊंचाई दुगुनी तो स्थिति ऊर्जा भी दुगुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन 12वीं में काफी पूछे जाते हैं, हर टॉपिक के अंदर ही है, 11वीं में भी है, आप इनको हर टॉपिक में ही पांच चार टॉपिक में अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमेशा हैबिट हो जाएगी सॉल्व करने की। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा क्या होगी यदि कण का वेग दोगुना कर दिया जाए, तो अब क्वेश्चन स्थिति ऊर्जा से नहीं है, कहां से है, तो अब क्या लिखेंगे, k बराबर, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसको दे दो। अब क्या लगाना है, अब लगाना परिवर्तन, और वो कहां है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्या दोगुना किया है, कण का वेग, वेग क्या होता है, वी, वी को दो गुणा कर दिया, दो से गुणा कर दिया, तो वी बराबर क्या हो गया, टू वी, वी की जगह क्या रखना है, टू वी रखने पर जब हम मान रख दिया हमने तो बदल के, तो उत्तर भी बदलेगा, अब के नहीं रहेगा, क्या हो गया, के डैश। अब गतिज ऊर्जा ये लिख सकते हो, अब गतिज ऊर्जा मान लेते हैं क्या है, k डैश। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, पहला जो समीकरण हमने दे रखी है उसमें परिवर्तित मान रख दो, बस अपने आप आ जाएगा जो आ रहा है, क्या 1 by 2 m v की जगह क्या रख दो, ऑल स्क्वायर है ना, तो जैसा है वैसा लगा दो, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, क्यूब है अंडर रूट है जो भी है वैसा का वैसा लगा दो, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां भी लगा दिया, अब स्क्वायर करना आता है, आधा ना, दो का स्क्वायर कर देंगे चार, बी का स्क्वायर कर देंगे बी स्क्वायर, तो उत्तर क्या आ गया, एक बटा दो एम इंटू चार इंटू बी स्क्वायर। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसी स्थिति में कुछ काटा पिटी नहीं करनी, काटना नहीं है इसको, वरना फिर हमें दोबारा गुणा करना पड़ेगा।
क्योंकि हमें तुलना किससे करनी है, तुलना किससे करते हैं, तुलना किससे करते हैं, हमेशा प्रारंभिक मान से तुलना करते हैं, हमेशा प्रारंभिक मान से तुलना करते हैं। अगर कोई कहे कि मेरा वेट 10 किलो बढ़ गया तो बताओ अभी कितना है, बता सकते हैं? क्वेश्चन ये है, मेरा वेट 10 किलो बढ़ गया, अब कितना है बताओ, कितना है? क्या कहेंगे अपने, पहले कितना था भाई, पहले पता होगा तभी तो 10 जोड़ेंगे उसके अंदर। तो परिवर्तन जो देखा जाता है वो किससे देखा जाता है, प्रारंभिक मान से देखा जाता है, उसके बिना हम नहीं बता सकते परिवर्तन कितना हुआ है। और प्रारंभिक मान हमारे पास है k, प्रारंभिक मान कितना है k, जो किसके बराबर है 1/2 m स्क्वायर। तो यहां से हम 1/2 m स्क्वायर में हमने परिवर्तन लगा दिया तो ये आ गया ना। अब क्या करो, ऐसी समीकरण वैसी की वैसी उसके अंदर है उसको नहीं छेड़ना, उसको ऐसा कैसा रखना है, जो भी गुणा में एक्स्ट्रा संख्या आ रही है उसको लिख दो, एक्स्ट्रा संख्या आ रही है 4 और इसको लिख दो ब्रैकेट में 1/2 एम बी स्क्वायर और 1/2 एम बी स्क्वायर किसके बराबर है के। अब जो समीकरण एक मान माननी है उसका मान रख दो वहां के, उसकी जगह के रख सकते हैं ना, तो के डैश बराबर क्या आ गया 4k। तो ऐसा नहीं है हर जगह मान दुगुना होगा, देखो स्थितिज ऊर्जा में जब ऊंचाई को बढ़ाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा दुगुनी होती है, लेकिन जब गतिज ऊर्जा में वेग को दोगुना किया जाता है तो गतिज ऊर्जा कितना गुणा होती है, 4 गुणा होती है, ठीक है। इसीलिए ये हर टॉपिक का अलग रिजल्ट बन जाएंगे, क्योंकि हर टॉपिक का रिलेशन ही अलग होगा, इसलिए रिजल्ट भी अलग ही बनेंगे हर टॉपिक के, ठीक है। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, समझ, सब में कॉमन बात है, बात सब में कॉमन है, कितने भी टॉपिक कुछ भी आ जाए सब में कॉमन बात है। आपको पहले ये देखना है किस टॉपिक से क्वेश्चन है, क्लियर, उसका फॉर्मूला लिखना है, उसको देनी है समीकरण पर। दूसरा काम, उसमें परिवर्तन दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर वो परिवर्तन लगाना। तीसरा काम, उसको सॉल्व करके समीकरण एक का मान रखना, आपको पता चल जाएगा पहले की तुलना में क्या है, ठीक है। ऑप्शन में जब आएगा तो इतना तो हमें नहीं करना, वहां तो ऑप्शन में टिक करना है, अपने को ये दिया जाएगा भाई यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो लिखा जाएगा 2 गुना, समान रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या 4 गुना हो जाएगी, या 1/4 गुना हो जाएगी, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है, 4 गुना हो रही है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना, ठीक है। तो कर ले, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।